समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपाली सिंह पत्नी जितेंद्र सिंह पुट्टा ने किया सघन जनसंपर्क। तेजी से दौड़ रही दीपाली सिंह की साइकिल प्रत्याशियों के बिगड़े समीकरण। जितेंद्र सिंह गुड्डा ने अकबरपुर के कृपालपुर, बढ़ापुर, जुग्गा, पूर्वा, तिवारी पूर्वा, माखन पूर्वा आदि में अध्यक्ष पद हेतु दीपाली सिंह के लिए मांगा समर्थन। जितेंद्र सिंह गुड्डा ने दीपाली को नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाने के लिए लिया बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का मांगा साथ। लोगों से साइकिल वाले खाने पर मुंह लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाने के लिए कहा। जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद हेतु दीपाली सिंह पत्नी जितेंद्र सिंह गुड्डा ने अपने क्षेत्र के मुरीदपुर, मिलकैन, पूर्वा, माती, नवीपुर आदि कस्बों में तूफानी दौरा करके लोगों से दीपाली सिंह को नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिताने के समर्थन मांगा। लोगों से साइकिल वाले खाने पर मुंह लगाकर विजय बनाने का आशीर्वाद भी मांगा। लोगों ने जितेंद्र सिंह गुड्डन को अपने कस्बे की समस्याएं भी बताई और चुनाव में तन मन धन से उनके साथ खड़े रहने का वादा भी किया। वहीं जितेंद्र सिंह गुड्डन ने लोगों की समस्याओं को दूर करने का भरोसा भी दिया। जितेंद्र सिंह गुड्डन ने कहा, नगर पंचायत का विकास कराना और भ्रष्टाचार को समाप्त कराना हमारा लक्ष्य है। उक्त मौके पर प्रमुख रूप से सत्यनारायण गुप्ता, मनपुल यादव, दीपक चौहान, सलमान खान और वरिष्ठ समाज सेवी प्रशांत उमर, अभय यादव के तात्पर्य को समाजवादी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ वेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अब भैया, चुनाव में कौन कौन से विकास के मुद्दे जिनको लेकर के जनता के बीच में घोषणा पत्र किया आपका? देखिए, वर्तमान में दीपाली सिंह जो कि मेरी पत्नी है, समाजवादी पार्टी से नगर पंचायत अकबरपुर की उम्मीदवार हैं और 10 साल से जो अकबरपुर का नगर पंचायत का विकास रुका हुआ था, इसलिए जनता अब चुनाव लड़ रही है और बदलाव की लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी हजारों हजार मतों से अकबरपुर नगर पंचायत। आज आपने नामांकन, जैसे आपने अभी तक जो क्या किया है उसमें कहां कहां आपको परेशानियां दिखी, कौन कौन से वार्डों में ज़्यादा परेशानी नज़र आई है? अरे मेरे भैया, कहीं परेशानी नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है, हर बूथ जीत रहा हूं, हजारों हजार मतों से जीत होने वाली। विकास के कार्य में कहां अवरोध है जहां पे आपकी प्राथमिकता पहली हो जाएगी? ये हमारा घोषणा पत्र है, जितनी भी नई आबादी है वहाँ कोई विकास हुआ ही नहीं है, तो 10 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। और हमारा प्रमुख मुद्दा है, सर्वप्रथम वहाँ विकास होगा जहाँ विकास नहीं हुआ है।